तो फिल्मी टॉक्स के 12वें एपिसोड में सबसे पहली और बड़ी खबर है सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 से। टाइगर 3 के रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टर मनीष शर्मा और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 के पहले कट को फाइनल कर दिया है और अब इस फिल्म के वीएफएक्स का काम भी स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत ही जल्द हमें टाइगर 3 का एक टीजर भी देखने के लिए मिल सकता है। इस फिल्म की रिलीज डेट तो अभी कन्फर्म नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि ये फिल्म 10 नवंबर को रिलीज होगी। और विद्या बालन की मर्डर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म नियत का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मुझे तो ये ट्रेलर पसंद आया है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? इस फिल्म में विद्या बालन मेन लीड में होंगी। और अगर बात करें हम इस फिल्म के रिलीज डेट की तो ये फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। और इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया है जिसमें इंदिरा गांधी और उनके द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की झलक दिखाई गई है। कंगना रनौत ने इस फिल्म की कहानी लिखी है, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में मेन लीड में भी हैं। कंगना रनौत की ये फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और वरुण धवन ने जानवी कपूर की आने वाली फिल्म बवाल की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। ये फिल्म 27 जुलाई को अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नितेश तिवारी ने जिन्होंने दंगल और छिछोरे को भी डायरेक्ट किया था। तो वरुण धवन की इस फिल्म के लिए आप कितना एक्साइटेड हो? और राम पोतिनानी एंड डायरेक्टर बोयापति सिन्हा की अनटाइटल फिल्म बोयापति रेपो की रिलीज डेट चेंज हो गई है। ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन 19 एंड 20 अक्टूबर को बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। 19 अक्टूबर को लियो, 20 अक्टूबर को भगवंत केसरी और 20 अक्टूबर को टाइगर नागेश्वर राव, ये सभी बड़ी फिल्में आ रही हैं और ये सभी फिल्में पैन इंडिया रिलीज होंगी जिसके कारण राम पोतिनानी की इस फिल्म को 15 सितंबर के मौके पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।